विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 13 गेंदे रहते हुए बिना कोई विकेट गवाए 152 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मोहम्मद शमी भारत के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 3.5 ओवर में 43 रन लुटाए और विकेट भी नहीं लिया। बाकी के गेंदबाज भी एक विकेट नहीं ले पाए, मगर सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को उनके धर्म से जोड़ दिया। क्रिकेट जगत ने इसकी एक सुर में अब निंदा की है। सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को ट्वीट किया, जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। मोहम्मद शमी प्रतिबद्ध खिलाड़ी हैं और विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। उनका एक दिन खराब गया और खेल की दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह शमी और टीम इंडिया के साथ खड़ा हूं। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज और बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने भी सोशल मीडिया ट्रोल्स को शर्मनाक बताया है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि मोहम्मद शमी पर जिस तरह का ऑनलाइन अटैक हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। हम मोहम्मद शमी के साथ खड़े हैं, वो एक चैंपियन है और जो भी भारतीय कैप पहनता है उसके दिल में भारत बसता है। शमी हम तुम्हारे साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो जलवा। वहीं इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं भी भारत पाकिस्तान मैच का हिस्सा रहा हूं जहां हम हारे थे, लेकिन कभी भी मुझे पाकिस्तान जाने को नहीं कहा गया। मैं कुछ वक्त पहले के इंडिया की बात कर रहा हूं, ये सब बंद होना चाहिए। वहीं युजवेंद्र चहल ने भी शमी के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए लिखा, हमें आप पर बहुत गर्व है शमी भैया। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, जो लोग मोहम्मद शमी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही विनती है, आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी महसूस भी नहीं होगी। शमी की ट्रोलिंग को लेकर राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी ने भी शमी के खिलाफ सोशल मीडिया ट्वीट्स का विरोध जताया। AIMIM चीफ ओवैसी का कहना है कि ये ट्वीट्स दर्शाते हैं कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है। ओवैसी ने अपने बयान के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। चर्चा ये हो रही है कि मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने भी मोहम्मद शमी के लिए ट्वीट किया है और अपना समर्थन दिखाया है। शमी के समर्थन में ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने लिखा, एक खिलाड़ी को अपने देश और अपने लोगों के लिए जिस तरह के दबाव, संघर्ष और त्याग से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद शमी एक स्टार है और वाकई दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से एक है। कृपया अपने स्टार का सम्मान कीजिए, इस खेल को लोगों को करीब लाना चाहिए ना कि उन्हें बांट। चर्चा ये हो रही है कि मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने भी मोहम्मद शमी के लिए ट्वीट किया है और अपना समर्थन दिखाया है। शमी के समर्थन में ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने लिखा, एक खिलाड़ी को अपने देश और अपने लोगों के लिए जिस तरह के दबाव, संघर्ष और त्याग से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद शमी एक स्टार है और वाकई दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से एक है। कृपया अपने स्टार का सम्मान कीजिए, इस खेल को लोगों को करीब लाना चाहिए ना कि उन्हें बांट।